समझ में आया? वो क्या पढ़े की क्या नहीं की, तुम कितना भी पढ़ो, कॉलेज पढ़ो, यूनिवर्सिटी पढ़ो, या उससे आगे की जो है ना क्या क्या पढ़ना है पढ़ो, मगर वो पढ़े तुम पढ़ रहे जो खाली इंसान जितना जाना उतनी पढ़े ही पढ़ रहे तुम। अगर अल्लाह जो जानता वो पढ़े ही पढ़े क्या? उसके मामले में तो तुम अनपढ़ी छे, अल्लाह के राजों को तुम जाने क्या? तुम रिसर्च उस पे करते जो तुम्हारे सामने है जाहिर में, गैब का इल्म तुमको है क्या? गैब पे रिसर्च है क्या तुम्हारी? साइंस उसी बात की रिसर्च करती, उसी बात पे जो है ना तहकीक करती जो उसके हाथ में है। तो हाथ में नहीं आने वाली चीज उसको क्या है? उसके लिए तो अनपढ़ है ना, जाहिली छे। फिर आंग पे शैतान आया, आंग पे जिन आया, देख के भी उन्हें पुकार रहा सो देख के, अरे तुम ये पढ़े लिखे हो क्या? अभी भी ऐसे अंधविश्वास बातें तुम करते क्या? दीवाने बातें करते क्या? ये मौजज़े करामत को मानते क्या? देख रहा फिर भी अंधा है, देख रहा आलम को देख रहा क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। खुद इंसान उसके अपने बस में नहीं है, एक रूह के बस में है, एक रूह लेके चल रही उसको, जिसको इंग्लिश में सोल बोलते, सोल बोलते ना, सोल। वो तेरा जो शरीर है, जो तेरी जिस्म है, जो तेरा क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तेरा ढांचा, उसको लेके चलने वाली ताकत है। उस पर तो तेरी रिसर्च नहीं है कुछ भी, उसको नहीं पहचान रहा तू। शरीर को पकड़ के रिसर्च करता, जिस्म का शरीर का पकड़ के जो है रिसर्च करके, यानी उसको तू उसका इंश्योरेंस करा सकता, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब करा सकता। रूह का इंश्योरेंस करा सकता क्या? या? जो सोल बोलो या क्या बोलते हैं, क्या बोले अभी, स्प्रिट, स्प्रिट का उसका इंश्योरेंस होता क्या, करा सकता क्या? क्योंकि वो तो तुम्हारे हाथ में नहीं है। अच्छा कमाल क्या, देखो मरने का इंश्योरेंस होता और उसको नाम दिया लाइफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मौत का है मगर दे रहा क्या उसको, लाइफ इंश्योरेंस कहते हैं, लाइफ का इंश्योरेंस देता मरने के बाद, और नाम दिया लाइफ इंश्योरेंस। अभी ने कब की बहुत पहले एक फिल्म में देखा था, महमूद मजाक उड़ाता, सो कॉमेडी है ना, कॉमेडियन कौन बोलता क्या कर दे, बोलते नहीं लाइफ इंश्योरेंस में काम करता हूँ। अच्छा अच्छा मौत के इंश्योरेंस में काम करते, मौत का इंश्योरेंस बोलता, जब ही बोला क्या अंग्रेज बोले, यानी मरने के उसको लाइफ इंश्योरेंस बोल रहा, और हेल्थ इंश्योरेंस बीमार को हेल्थ इंश्योरेंस। तो ये जो है जितने भी जो बातें हैं, जो इंसान उसी ऊपर रिसर्च करता जो उसको उसके सामने होता, जो नहीं जानता उसको क्या बोलता उन्हें, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, अंधविश्वास। तो अंधविश्वास में क्या है मालूम, अंधविश्वास दो अल्फाजों से आता, एक अंध बोले तो यानी नहीं देखे सो, विश्वास बोले तो यानी विश्वास बोले तो देखे सो चीज पे भरोसा करना, यानी विश्वास। विश्व किसको बोलते हैं, विश्व दुनिया को बोलते हैं,
वास किसको बोलते हैं? दुनिया देख रहा, विश्व यानी दुनिया, वास रहने की जगह, और फिर अंधा क्या है, अंध क्या है, यानी दुनिया देख रहा, रहने की जगह देख रहा, विश्व विश्व कर उसको वो कर रहा, मगर उसको अंधविश्वास बोल रहा। जिस दुनिया में रह रहा उसको दिया विश्वास, विश्व यानि दुनिया, रहने की जगह वास, फिर बोल रहा फिर उसके वास्ते अंधा है, बोल रहा सब देख रहा, अंधविश्वास कहते। क्योंकि अल्फाज जो दिए जाते ना वो दो अल्फाजों से एक अल्फाज बनता, दो मिलके एक अल्फाज बनता। कमाल क्या है, वो खाली युद्ध बन गया सुनिए, ऐसी बन जाता है सुनिए, वो हर नाम भी जो नाम लिया जाता वो नाम में भी दो मिलके एक नाम बनता, दो मिलके एक नाम बनता, तो दो मिले तीसरा बना, दो मिले तीसरा बना। जब तक ये तीन नहीं मिलते वजूद नहीं बनता, जब तक तीन नहीं मिलते बात कंप्लीट नहीं होती और अल्फाज कंप्लीट नहीं होते। वैसा ही इंसान, जिस्म, जान और रूह, ये तीन मिला तो एक वजूद है। जिस्म खाली जिस्म का नाम नहीं है, जान खाली जान का नाम नहीं है, रूह खाली रूह का नाम नहीं है। जैसा कि नाम जो है, एक नाम बोले शहबाज, शहबाज बोले तो एक इंसान का चेहरा सामने आ गया, अरे नो शहबाज, क्योंकि दिख रहा तुम्हारे को जिस्म, मगर जिस्म का नाम है क्या रूह की नाम है? नाम किसका है? जिस्म का है, नाम जिस्म का है, सुने, नाम जिस्म का है, क्योंकि जिस्म दिख रहा, रू नहीं दिख रही, फिर नाम पुकार रहे तो किसका, किसको दिख रहा, जिस्म दिख रहा, फिर आदमी मर गया तो जिस्म यहीं चाहिए ना, फिर चले गए कहीं ऊपर, जिस्म सामने पड़ा हुआ है, शहबाज भाई चले गए बल्कि रो रहे, कांगे रे यहाँ पड़े हुए ना, देख अभी पूरे हाथ पैर सब सलामत है, यहाँ पड़े हुए है, कहाँ गए, फिर गए कौन, गई क्या, तो फिर नाम किसका है, नाम जिस्म का है क्या रू का है, फिर रू का नाम है, रू का नाम है। जिस्म तो गया मट्टी में मिल गया चले जाता, पानी हवा पानी मट्टी आग मिलके एक जिस्म बना, ये चार अनासिर मिलके एक जिस्म बना, पूरी कायनात के जो अशिया 84 लाख जानों का नुफुस मिलके जिस्म बना, हर शय जितने पदार्थ है जितने कलर है वो सब मिलके एक जिस्म बना, तो ये सब ये मट्टी में से इसमें से दुनिया में से नहीं आए थे सब, मगर असल इसको लेके चलने वाली जो थी वो थी रूह, सही है ना, तो वो रूह थी, तो वो रूह का नाम था, रूह का नाम था, तो रूह को मौत नहीं है, इसके वास्ते कोई भी मरा तो मर गया नहीं बोलते, इंतकाल हो गया बोलते। अल्लाह कहीं पे भी कुरान में इंसान मरा बल के नहीं जिक्र करा, किसी को भी जो है ना मरा बल के जिक्र नहीं करा, अल्लाह वफात पा गए बोला, वफात का जिक्र है कुरान में, क्या है वो, कुल्लू नफसिन जायखतुल मौत बोला, जायखा चके मौत का बोला, अल्लाह मरे नहीं बोला, अल्लाह मौत का जिक्र किया अल्लाह मगर उसका जायखा चके बोला, तो जायखा चखने में और मरने में बहुत फर्क है। वह तवफी ना बोला, मौत यानी हमको तुमको, हम तुमको तुम्हारे तुम्हारे वफात करे, वफात का मतलब क्या है,
وفات کا مطلب ہی ہے ایک دوسرے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا, انتقال کا مطلب بھی وہی ہے, وصال کا مطلب بھی وہی ہے. وصال کا مطلب وصل سے, یعنی اللہ سے ملاقات کر لیے. تو کون ملاقات کرے؟ جسم کرا کیا روح کری, ہے نا؟